أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله العلي العظيم. ہماری گفتگو قوم بنی اسرائیل سے قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 55 کو ہم نے پڑھ لیا تھا. یہ در حقیقت آیت نمبر 47 سے کنیکٹڈ ہے جہاں پر قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے کے بنی اسرائیل سے مخاطب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 47 یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کہ قوم بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو کہ جو ہم نے تم پر بھیجی ہیں. تو آیت نمبر 47 سے یہ تذکرہ چل رہا ہے اور بنی اسرائیل کی نعمتوں کا اور بنی اسرائیل پر ہونے والے واقعات کو ایک اجمالی طور پر مختصراً قرآن بیان کر رہا ہے. اختصاراً ہم نے اس لیے بیان کیا کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن تمام واقعات کو جو کسی بھی واقعے کو اگر بیان کرتا ہے تو اسے مکمل طور پر بیان نہیں کرتا ہے بلکہ بہت سارے جزئیات کو اگنور کرتا ہے اور ایک جنرل جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے اس واقعے میں اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. اور ان آیات میں بنی اسرائیل کے پورے قصے کو مختصراً قرآن بیان کر رہا ہے اور سورہ آیت نمبر 55 اور اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوا کہ جس واقعے کو ہم ایک روایت کے ذریعے سے ہم نے پہلے اشارتاً اس روایت کو پڑھا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں. کتاب التوحید اور کتاب عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق اس روایت کو بیان کرتے ہیں اور امام رضا علیہ السلام مامون کی مجلس ہے, مامون کا دربار ہے اور امام رضا علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں
कि जब मामून ने यह सवाल किया कि इब्न रसूलुल्लाह अलैसा मिन कौलिका इन्नल अंबिया मासूमून, कि क्या आपका ये कौल नहीं है कि तमाम अंबिया मासूम होते हैं। अच्छा, आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूँ कि उयून अखबार रज़ा में मामून ही के दरबार में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने ये रिवायात मौजूद हैं जहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अंबिया अलैहिस्सलाम की इस्मत को बयान किया और दिफा किया। तो मामून उसी इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के इस्तेदलाल जो बयान किए इमाम ने अंबिया की इस्मत के लिए, तो यहाँ पर मामून एक सवाल करता है कि क्या अंबिया, आपने जैसा कि कहा कि अंबिया मासूम हैं, तो क्या अंबिया मासूम नहीं है? इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बला। तो उस वक्त मामून ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ये कहा कि फिर इस आयत की क्या तौजीह करेंगे, क्या तावील करेंगे, किस तरह जस्टिफाई करेंगे? चूँकि इस वाक़े को कुरान ने मुतअद्दिद मकामात पर ज़िक्र किया है बनी इसराइल के इस वाक़े को, कि जो आयत नंबर 55 में बयान हुआ, सूरह आराफ़ में भी ये बयान हुई है आयत नंबर 143 में। तो उस 143 आयत को सामने रखते हुए मामून सवाल कर रहा है कि क्या कुरान ये जो कह रहा है, फलम्मा जा मूसा लिमीकातिना वकल्लमहू रब्बुहू काल रब्बे अरिनी अंज़ुरु इलैका, हज़रत मूसा ने सूरह आराफ़ की इस आयत के मुताबिक हज़रत मूसा ने अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, काल रब्बे अरिनी, खुदाया तू मुझे अपनी ज़ियारत करवा, मुझे दिखला अपनी ज़ात को। तो खुदा ने मुताल ने कहा कि लन तरानी, कि तुम मुझे नहीं देख सकते हो, हरगिज़ पर हरगिज़ नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मामून सवाल करता है कि कई फ़ै जुज़ु अन यकूना कलीम अल्लाह मूसा बिन इमरान ला यालम अन्नल्लाह ताला ज़िक्रहु ला तजूज़ु अलैहि रोया। तो फिर कैसे हज़रत मूसा जो खुदा की कलीमुल्ला है और अज़म नबी है, वो कैसे नहीं जानते थे कि खुदा की रोयत, खुदा का दीदार, खुदा की ज़ियारत, खुदा को देखना मुहाल है, मुमकिन नहीं है? ये क्यों हज़रत मूसा जो है वो खुदा ने मुताल से एक इम्पॉसिबल चीज़ का सवाल कर रहे हैं? क्या हज़रत मूसा नहीं जानते थे? तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते, फ़काल रज़ा अलैहिस्सलाम इन्न कलीम अल्लाह मूसा ने इमरान अलिम अन्नल्लाह अज़्ज़ वजल अज़्ज़ अन युरा बिल अबसार, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम जानते थे कि खुदा ने मुताल जो है वो बुजुर्गतर है इससे कि खुदा को देखा जाए, यानी खुदा देखा नहीं जा सकता, जानते थे हज़रत मूसा। वलाकिन्नु लम्मा कल्लमहुल्लाह अज़्ज़ा वजल वक़र्रबहु नजिया रजा इला कौमिही। अब पूरी दास्तान इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम सुनाते हैं कि दर हकीकत दास्तान क्या है, कि जब खुदावंद मुताल ने हज़रत मूसा को मुंतखब किया और अपना नबी मुकर्रर किया, तो जब अपनी कौम की तरफ पलटे और अपनी कौम को ये कहा कि खुदा ने मुझसे कलाम किया और मुझे खुदा ने मुकर्रब करार दिया और खुदा ने मुझसे मुनाजात की, तो उस वक्त कौम बनी इसराइल हज़रत मूसा की कौम ने
ये कहा कि लन नूमिन लक हत्ता, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 55, लन नूमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन, कि हम खुदा पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, हम आप पर ईमान नहीं लेकर आएंगे जब तक आप हमें खुदा ना दिखला दो, जब तक आप हमको खुदा नहीं दिखाएंगे हम आप पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। तो जब और यहाँ तक कि हम हत्ता नस्माउ कलामहु कमा समिअता, जिस तरीके से आपने खुदा का कलाम सुना, और जब तक हम खुदा का कलाम ना सुन लें हम आप पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। फिर हज़रत मूसा ने वकान अल-क़ौम सबा मियाल्स के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कौम बनी इसराइल थी वो 7 लाख अफराद थे, फ़ख्तारा मिनहुम 70,000, सुमख्तारा मिनहुम 7,000, सुमख्तारा मिनहुम 700, सुमख्तारा मिनहुम 70 रजुलन ली मीक़ात रब्बिही, कि उस 7 लाख में से पहले हज़रत मूसा ने 70,000 का इंतखाब किया, फिर 7,000 का इंतखाब किया, फिर 700 का इंतखाब किया, और उन 700 में से मुकर्रब के, जिसको हमने बयान किया था गुज़िश्ता गुफ्तगू में कि ये हज़रत मूसा ने जिन 70 लोगों को इंतखाब किया, ये हज़रत मूसा इनको मुत्तकी और परहेज़गार ख्याल कर रहे थे, कि जिसको गुज़िश्ता गुफ्तगू में हमने बयान किया था। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन 7 लाख की कौम में से 70,000 को, फिर 7,000 को, फिर 700 को इंतखाब किया, और आखिर में 70 को इंतखाब किया, 70 को इंतखाब किया। तो इनको लेकर हज़रत मूसा फ़खरज बिहिम इला तूर सीना, इनको लेकर हज़रत मूसा तूर सीना की तरफ निकले, फ़अक़ामहु फ़ी सफ़ल जबल, कि इन सब को जो वो दामन पहाड़ के दामन, यानि दामन के जो अपना ये पहाड़ का जो की ज़मीन है वहाँ पर मुकर्रर वहाँ पर रखा, और ख़ुद जो है वो पहाड़ पर चढ़े, कुएँ तूर पर चढ़े। फसाल अल्लाह तबारक व तआला अन युकल्लिमहु व यस्माउहुम कलामहु, के खुदावंद मुताल से सवाल किया कि खुदावंद मुताल उनसे कलाम करे, और खुदा के कलाम को वो लोग सुन लें। फकल्लमहुल्लाहु तआला ज़िक्रहु वसमिउ कलामहु मिन फौकिन व असफलिन व यमीनिन व शिमालिन व वराइन व अमामिन, और उस कौम बनी इसराइल ने जब हज़रत मूसा से खुदावंद मुताल ने कलाम किया तो उन्होंने 6 जानिब से, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे, हर जगह से खुदावंद मुताल के कलाम को सुना, क्योंकि खुदावंद मुताल ने अपने इस कलाम को दरख्त में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं लिअन्नल्लाह तआला अज़्ज़ा व जल अहदसहु मिन अश्शजर फी शजरा, कि खुदावंद मुताल ने अपनी आवाज़ को, अपने कलाम को दरख्त में ईजाद किया। हत्ता समीउ मिन जमील वुजूह, यहाँ तक कि जो तमाम तरफ से उन्होंने खुदा के इस कलाम को सुना। फ़कालू, तो अब कौम बनी इसराइल ने कहा लन नूमिन लका, हम आप पर ईमान नहीं लेकर आएंगे, बे अन्न लज़ी समिअना हो कलाम अल्लाह, के ये जो आवाज़ थी ये खुदा की आवाज़ थी, हत्ता नरल्लाह जहरतन, यहाँ तक कि हम खुदा को बज़ात खुद अपनी आंखों से जो वो खुदा को देख लें। फलम्मा क़ालू हाज़ल क़ौलुल अज़ीम वस्तकबरू व अतऊ, जब इस बात को उन्होंने सुना, यानी बहुत बड़ी बात है खुदा को देखना, मुमकिन नहीं है, मुहाल चीज़ है, इम्पॉसिबल है, मुमकिन नहीं था, तो इस अजीम चीज़ को, इस अजीम बात को खुदा हज़रत मूसा ने जब सुना, जब इन्होंने कहा बनी इसराइल के लोगों ने और तकब्बुर किया, तो उस वक्त क्या हुआ, फबअस अल्लाहु अलैहिम साइकतन, तो एक बिजली आई और इन सब को घेर लिया,
और उनको तारीकी और अंधेरे में डाल दिया। यानी जैसा कि कुरान ने बयान किया इससे पहले वाली आयत में कि सब के सब मर गए, सब के सब को, तमाम के तमाम लोगों को मौत आ गई। फमातु, पर सब के सब जब बिजली आई तो सब के सब मर गए। फमातु फ़काला मूसा या रब मा अकुल बनी इसराइल इज़ा रजात इलैहिम, या ए खुदावंदा मैं जब बनी इसराइल की कौम में पलटूंगा तो मैं इनको क्या जवाब दूंगा। वो कौम बनी इसराइल कहेगी मुझे इन्नका ज़हबता बिहिम फ़क़तलतहुम, आप जो है वो इनको लेकर गए और सबको कत्ल कर दिया इसलिए कि आप अपने कौल में सच्चे नहीं थे। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, आपने क्योंकि खुदा नहीं दिखा सकते थे, अपनी हकानियत को साबित नहीं कर सकते थे, तो आपने सबको कत्ल कर दिया। तो ऐ खुदावंदा मैं क्या जवाब दूंगा कौम बनी इसराइल को। तो खुदा मुताल ने अब ये हमारी आयत, तवज्जो कीजिएगा हम किस आयत में हैं, आयत नंबर 56 में, सुम्मा बअसनाकुम मिन बादे मौतिकुम, कि फिर हमने यानी खुदा मुताल कहता है कि हमने तुम लोगों को यानी तुम्हें बनी इसराइल को बास यानी किसी को उभारना, यहाँ पे मुराद क्या जिंदा करना, मिन बादे मौतिकुम तुम सबको मार डालने के बाद हमने जिंदा किया। तो अब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़अहयाहुमुल्लाहु वबअसहुम बादो, कि खुदा ने मुताल ने उन 70 के 70 लोगों को जिंदा किया और उनको दोबारा से मौत मारने के बाद दोबारा से जिंदा किया। खूब, अब यहाँ पर जो वो कौम बनी इसराइल क्या कहती है, तवज्जो कीजिएगा, कौम बनी इसराइल जिंदा होने के बाद कहती है कि तुम ए मूसा अले हजरत मूसा से मुखातब होकर इन नकल सालूरिया का तम जरूर जावक, कि ए हजरत मूसा अगर आप खुदा से सवाल करते कि खुदा आप अपना अपनी ज़ात को दिखाइए, अपना वजूद दिखाइए, तो खुदा आपके इस सवाल का जवाब देता। तो हजरत मूसा ने कहा कि फ़काला मूसा अलैहिस्सलाम या कौम इन्नल्लाह ला युरा बिल अबसार, ऐ मेरी कौम खुदा जो वो आंखों से दिखाई नहीं दिया जा सकता है, वला कैफियत लहू, उसकी कोई जिस्म नहीं है, उसकी कोई कैफियत नहीं है, मादा नहीं है, मैटर नहीं है, वो कैफियत नहीं है उसकी कोई जो आंखों से दिखाई दी जा सके। वह इन्नमा युअरफ़ु बिआयातिही वा युअलमु बिआलामिही, खुदा ने मुताल को उसकी निशानियों के जरिए से पहचाना जाता है, उसकी अलामतों के जरिए से जाना जाता है। फ़क़ालु लन नुमिना लका हत्ता तसअलहु, क्योंकि हज़रत मूसा ने जो है वो सवाल नहीं किया था, क्योंकि खुदा ने मुताल ने जैसे ही उन्होंने ये कहा तो बिजली आकर जो कि उनको मार डाला बिजली ने। तो अब यहाँ पर हजरत मूसा ने कहा कि हम ईमान नहीं लेकर आएंगे जब तक आप खुद सवाल ना करें, आप सवाल कीजिए। फ़क़ाल मूसा अलैहिस्सलाम या रब इन्नका कद समिता मक़ालत बनी इसराइल, खुदावंदा तूने बनी इसराइल के कौल को सुना तूने कि ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, कितनी भयानक बात कर रहे हैं, कितना बड़ा जुर्म है, यानी खुदा की जिस्मानियत से खुदा को मुत्तसिफ करना ये एक जुल्म अजीम है, एक बड़ी मासियत है, बड़ा गुनाह है। तो खुदा तूने सुन लिया, यानी हजरत मूसा अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाह रहे हैं वो जुमलात, उन जुमलात को हजरत मूसा अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहते हैं। और कहा खुदा ने मुताल से कि खुदा तूने सुन लिया बनी इसराइल के इन बातों को,
وانت عالم بصلاحهم اور تو ان کی مصلحت کو بہتر جاننے والا ہے فاوحى الله عز وجل الی یا موسی صلی عما سالوکا پھر خداوند متعال نے حضرت موسی کو وحی کی خداوند متعال نے حضرت موسی کو وحی کی اور یہ کہا کہ اے موسی یہ جو سوال کرتے ہیں بنی اسرائیل تم سے تم اپنی زبان سے سوال کرو مجھ سے میں تمہیں ان کی جہالت کی وجہ سے تمہیں مؤاخذہ نہیں کروں گا تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا تو اس وقت حضرت موسیٰ نے اپنی زبان پر ان الفاظ کو ادا کیا رب ارینی انظر الیک خدا اپنا بنی سورہ اعراف کیونکہ محمود نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام نے امام رضا علیہ السلام سے کیسے حضرت موسیٰ نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے جاری کیا کیا حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے تو داستان سنا رہے ہیں امام رضا علیہ السلام کی قصہ کیا تھا قصہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ ان کو موت آ گئی ان کو اس سوال کی بنا پر موت آ گئی پھر ان کو زندہ کیا پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی زبان سے سوال کیجئے تو خدا متعال نے کہا کہ اے موسیٰ تم سوال کرو میں ان کی جہالت کی وجہ سے تمہیں سزا نہیں دوں گا تو حضرت موسیٰ نے ان الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کیا سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رب ارینی خدایا تو مجھے اپنے آپ کو دکھا انظر الیک میں تجھے دیکھ لوں تو اس وقت خداوند متعال کی طرف سے جواب آیا قال لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے ہرگز بہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ کہ تم جو کہ اس پہاڑ کو دیکھو اور پھر وہ پہاڑ پر بجلی چمکی اور جو بھی ہوا وہ پہاڑ جو کہ وہ منہدم ہو گیا ختم ہو گیا تو یہ امام رضا علیہ السلام نے یہاں پر یہ بیان کیا تو یہ قصے کا خلاصہ تھا تو آیت نمبر جس میں ہم آج کی جو آیت ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم کہ خداوند متعال نے ان کو زندہ کیا ان کے مرنے کے بعد ان کو زندہ کیا کہ جس کی داستان کو آپ نے امام رضا علیہ السلام کی زبانی اس نقل کے مطابق سماعت فرمایا ثم بعثناکم پھر ہم نے جو ہے وہ باعث کس کو کہتے ہیں باعث ابھارنے کو یہاں پر باعث کا مطلب جیسے ابھارنے کے معنی بھی آتا ہے نبی کو مبعوث کرنا بھیجنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور زندہ کرنے یہاں پر زندہ کرنے کے معنی میں ثم بعثناکم ہم نے ان کو زندہ کیا بعد موتکم ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں زندہ کیا کیوں لعلکم تشکرون تاکہ تم توبہ کر کے خدا کے شکر گزار بندے بن جاؤ خب یہاں پر جو ہے وہ توجہ فرمائیے گا خب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے خب سوال کیا پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خب یہ بنی اسرائیل جن بنی اسرائیل میں یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے خب انہوں نے تو سوال نہیں کیا تھا ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا تو پھر کیوں قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے وہ ان کے آبا و اجداد نے جرم کیا تھا ان کے آبا و اجداد نے یہ خداوند متعال کی رویت اور خداوند متعال کے دیدار اور خداوند متعال کو دیکھنے کے بارے میں جو معصیت کی تھی سوال کرنے کے ذریعے سے تو ان کا کیا قصور خب یہ سوال ہے تو پھر کیوں قرآن جو کو ان کی مذمت کر رہا ہے تو جواب کیا ہے جواب یہ کہ چونکہ یہ لوگ بھی رسول کے اوپر ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں جس طرح ان کے آبا و اجداد جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے
इसी तरह ये लोग भी ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने मौजजात देखे रसूल के दस्ते मुबारक से। लिहाजा ये लोग रसूल जिस तरीके से इनके आबा व अजदाद क्या करते थे कि हज़रत मूसा की नबूवत को कबूल नहीं किया और कहा कि हमें जो वो एक एक हम हमें मसलन खुदा दिखा, इस तरीके का सवाल किया, कभी ये किया, कभी गाय की इबादत की, गौशाला परस्ती की। तो ये सारा जुर्म जो बनी इसराइल का था, क्योंकि ये कौम बनी इसराइल जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये कौम बनी इसराइल के नस्ल से ये लोग, इनका भी कसूर क्या था कि ये भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात देखने के बाद उन पर ईमान नहीं लेकर आए। तो ये जो है वो सूरह आयत 56 तक इसको बयान किया। फिर उसके बाद आयत नंबर 57 क्या है, आयत नंबर 57 तवज्जो फरमाएं। अच्छा, यहां पर एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि कौम बनी इसराइल ने जो है वो दो जुर्म किए, एक हजरत मूसा को कबूल नहीं किया और एक खुदा के दीदार का, खुदा के रोयत का, खुदा के देखने का सवाल किया। तो यहां पर जो है वो जो दूसरा सवाल था, ये जो दूसरा सवाल था ये ज्यादा बदतर सवाल था, हजरत मूसा के इनकार से बदतर सवाल था। दलील क्या है इसकी, इसकी दलील क्या है? देखिए, दो दो गुनाह किए इन्होंने, एक गुनाह हजरत मूसा का इनकार करना और दूसरा गुनाह क्या था, दूसरा गुनाह, दूसरा जुर्म ये था कि खुदा की रोयत और खुदा की दीदार का सवाल किया। इनका जो दूसरा सवाल है ये ज्यादा बदतर था, ये ज्यादा कबीह था, ये ज्यादा बुरा था। दलील क्या है? दलील है सूरे निसा की आयत नंबर 153, सूरे निसा की आयत नंबर 153 क्या है, देखें, तवज्जो करें। फकत सालू मूसा अकबरा मिन जालिक, ये बयान की जाती है दलील के तौर पर कि उनका जो दूसरा सवाल था वो ज्यादा बदतर था। कैसे? क्योंकि कुरान सूरह निसा में आयत नंबर 153 में ये कह रहा है कि उस कौम बनी इसराइल ने हजरत मूसा से सवाल किया अकबर मिन ज़ालिक, उससे बड़ा सवाल किया, उससे बड़ा, बड़ा यानी क्या मतलब, उससे बड़ा यानी उससे बदतर, उससे बदतर सवाल किया। फ़कालू, अब वो क्या सवाल किया, अरे नल्लाह जहरतन, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि ये वाक़या सूरह आराफ में भी है, सूरह बकरा में भी है, सूरह निसा में भी है, यानी कई मकामात पर खुदावंद मुताल ने इस वाक़े को बयान किया है अपनी किताब कुरान मजीद में। तो मुलाहिज़ा फरमाया आपने कि ये दूसरा सवाल जो वो उसे बदतर सवाल था, कि जिसकी दलील के तौर पर इस आयत को पेश करते हैं, सूरह निसा की आयत नंबर 153 को पेश करते हैं। हो, आयत नंबर 57 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ललना अलैकुमुल गमामा व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون। ये صدق الله العلي العظيم कि ये आयत नंबर 57। अब यहां पर कुरान क्या बयान कर रहा है, पहले हम आपकी खिदमत में इस आयत का एक इजमाली तर्जुमा करते हैं, फिर इन आयात के
जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस आयत में उसका मतलब बता दें और फिर तफसील इंशाल्लाह बाद में आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि वज़ललना और हमने वज़ललना अलैकुमुल गमामा और हमने तुम पर बादलों का साया किया व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा और हमने तुम पर मनोसलवा इस मनोसलवा की तफसील इंशाल्लाह आएगी और हमने तुम पर मनोसलवा नाजिल किया कुलू मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम और जो हमने तुमको रिज़्क़ अता किया है उसमें से पाक हलाल और पाकीज़ा चीज़ को खाओ वमा ज़ालमूना और तुमने हम पर ज़ुल्म नहीं किया है वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लमून बल्कि दर हकीकत तुमने खुद अपने नफ्सों पर ज़ुल्म किया है। ये हो गई आयत नंबर 57 का तर्जुमा। खुब यहाँ पर ज़ललना ज़ल्ला ज़ल्ला किसे कहते हैं? ज़ल्ला कहते हैं साये को, किसी कोई चीज़ किसी चीज़ को ढांप ले उसको ज़ल्ला कहते हैं। हम कहते हैं ना मद्द ज़ल्लहुल आली, किसी मसलन मुश्तहिद के नाम को जब आप लेते हैं मसलन फुला मर्जे जो जिंदा हो उसके लिए मद्द ज़ल्लहुल आली कहते हैं, जो इंतकाल कर चुके हैं उनको रहमतुल आलमीन नहीं रहमतुल आलमीन नहीं इसको उनको कहते हैं खुदा रहमहुल्ला, खुदा अपनी रहमत को नाजिल करें, या कद्दसल्लाहु नफ्सा कि उनकी या कब्रा खुदा उनकी कब्र को उनकी ज़री को मुकद्दस करार दे, तो ये कद्दसल्लाहु ज़रीहहु या कद्दसल्लाहु नफ्सहु ये मरहूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या रहमहुल्ला मरहूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हमारे यहाँ तो जिंदा और मरहूम का को फ़र्क नहीं करते, कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये इस्तेला है कि जिंदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है मद्द ज़ल्लहुल आली। तो मद्द ज़ल्लहुल आली ज़ल्ला इसी ज़ल्लना ज़ौइ के साथ है, मद्द ज़ल्लहुल आली यानि मद्द ज़िल्लुहु, ज़िल्लु है ये ज़िल्लु, मद्द ज़िल्लुहु आली यानि खुदा इनके साये को तूलानी करार दे। मद्द ज़िल्लुहुल आली का मतलब क्या है? मद्द का मतलब होता है तूलानी करार देना। तो ये आमतौर पर जो वो किसी मसलन आलिम के आगे जो वो ये इस्तेमाल करते हैं दुआई अल्फाज है कि खुदा उनके साये को खुदा उनकी उम्र को तूलानी करार दे। मद्द ज़िल्लुहुल आली यानि खुदा उनके साये को हमारे पर दायम और कायम रखे, खुदा उनकी उम्र को तूलानी करार दे। ज़िल कहते हैं साये को कहते हैं। तो यहाँ पर भी कुरान में क्या है? वज़ललना अलैकुमुल गमामा। पर ज़ल्ला किसे कहते हैं? ज़ल्ला कहते हैं जब कोई चीज़ किसी को छुपा ले ढांप ले उसको ज़ल्ला कहते हैं। साया साया चूँकि जो वो जब साया आता है तो वो चीज़ ढप जाती है। वज़ललना अलैकुम हमने तुम पर साया किया, अलैकुम यानि तुम पर साया किया, किस चीज़ का साया? गमाम। गमाम किसे कहते हैं? गमाम कहते हैं बादलों को, वो बादल जो आसमान को छुपा देता है। वो हमने तुम पर बादलों का साया किया, वज़ललना अलैकुम अलगमामा हमने तुम पर बादलों का साया किया। अब इसका इंशाल्लाह इसका क्या बैकग्राउंड है इसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे कि दर हकीकत किस्सा क्या था, ये क्यों जो है वो बादल भेजे खुदावंद मुताल ने, इसको इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बाद में बयान करेंगे। वह अनज़लना अलैकुमुल मन्ना और हमने तुम पर मन को नाजिल किया, मन और सलवा आम तौर पर मुहावरे में भी इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे में भी इस्तेमाल किया जाता है जब इंसान के ऊपर बैठे घर बैठे बिठाए कोई एक जो है वो
नेमत मिल जाए, कोई मसलन आपको एक दावतनामा आ गया, शादी का दावतनामा आ गया, तो या कोई भी आपको जो कोई चीज हासिल होगी तो कहता है मन्नो सलवा मिल गया मैं। तो ये दर हकीकत कौम बनी इसराइल पर खुदा ने मुताल की नेमतों में से एक नेमत थी। मन किसे कहते हैं? मन्ना व सलवा। मन किसे कहते हैं? वैसे तो मन कहते हैं मन कहते हैं, इंशाल्लाह बाद में इसकी जेल में जो रिवायत है वो इंशाल्लाह बाद में आपकी खिदमत में बयान करेंगे। मन किसे कहते हैं? वैसे मन कहते हैं किसी के ऊपर एहसान करने को, कहते हैं ना मिन्नत गुजारना, उसकी मिन्नत है, उसने हम पर मिन्नत गुजारी यानी एहसान जताया। तो मन कहते हैं एहसान को, एहसान करने को मन कहते हैं। अब यहां पर मुमकिन है हमने आसमान से एहसान नाजिल किया यानी उन पर अपना खाना नाजिल किया, तो इस मन को एहसान के मानों में भी ले सकते हैं। इसके अलावा मन का जो बाज माना बयान किया जाता है वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करते हैं कि मन के मुख्तलिफ माना बयान किए गए हैं। बाज में इस तरह नकल हुआ है शहद को मन कहते हैं, शहद को मन कहते हैं। एक है दरख्त से जो शीरा निकलता है उसको भी मन कहते हैं। बाज लोगों ने कहा कि रोटी, मन से मुराद रोटी है। बाज लोगों ने कहा कि मन से मुराद तमाम खुदावंद मुताल की नेमतें हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है वो मन के माना किए गए हैं। इंशाल्लाह जो रिवायत है वो इस जेल में आपकी खिदमत में बाद में बयान करेंगे। सलवा, सलवा क्या है? सलवा तवज्जो फरमाए, सलवा के लफ्जी माना है आराम, सुकून। हम कहते हैं ना तसल्ली देना, किसी को तसल्ली देना, ये तसल्ली के रूट वर्ड्स क्या है? ये सीन लाऊं, ये तसल्ली देने, तसलियत करना किसी को। जब हम ताजियत पेश करते हैं, जब हम किसी को तसलियत देते हैं तो वहां पे भी चूंकि हम सामने वाले को एक तसल्ली दे रहे होते हैं, एक दिलासा दे रहे होते हैं, तो तसल्ली का सलवा का लफ्जी माना लुगत में सलवा का माना क्या है? आराम, सुकून, दिलासा, इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं किसी को तसल्ली देना। और जब किसी की मौत पे हम ताजियत पेश करते हैं तो उसको भी तसलियत कहते हैं, तसलियत देना, ताजियत पेश करना। तो ताजियत और तसलियत देने हम उसको दर हकीकत एक दिलासा दे रहे होते हैं। हम कहते हैं तसल्ली हासिल हो गई यानी दिल को आराम मिल गया, सुकून मिल गया। तो ये सलवा का जो वो लुग़वी माना इन मानो इस माना में जो को सलवा इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर कुरान जो कह रहा है कि सलवा नाजिल किया, तो रिवायतों ने बयान किया कि सलवा से मुराद क्या है। खूब सलवा के बारे में कहते हैं कि ये एक परिंदा है जो मुर्ग से छोटा परिंदा है, मुर्ग से छोटा परिंदा है। शायद उर्दू में तीतर कहते हैं इसको, तीतर बटेर, तो तीतर जारन इसको कहते हैं मेरा ख्याल है। तो ये मुर्ग से एक छोटा परिंदा है, इसको सलवा कहते हैं। तो भुना हुआ सलवा जो कि वो आसमान से उतरा और बनी कौम बनी इसराइल के लिए, तो इसको कुरान ने क्या कहा? वह अनजलना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, हमने इनको मन और सलवा जो कि इनके ऊपर नाजिल किया, इनके दस्तरखान के ऊपर डायरेक्ट आसमान से। इसकी तफसील इंशाल्लाह जो रिवायत में इसकी तफसील आई है वो अगली दफा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में बयान करेंगे। तो कुरान ये कह रहा है कि हमने इनके दस्तरखान पर जो को मन्नो सलवा को नाजिल किया। अब कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम,
जो हमने तुम्हें रिस्क अता किया इसमें से पाक और हलाल तुम खाओ। कुलू मिन तैयबात मा रज़क़नाकुम। खूब, अभी हम सिर्फ कुरान के इस रूट वर्ड्स को बयान कर रहे हैं और इसकी तफसील इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बयान करेंगे। वमा ज़लमूना, ये जो तुम हरकतें करके आए हो, कभी गौशाला परस्ती की तुमने, उस गाय की परस्तिश की तुमने, गाय की इताअत की, गाय की इबादत की तुमने, कभी तुमने खुदा से ये सवाल किया कि खुदा, हज़रत मूसा से सवाल किया कि आप खुदा से सवाल करो कि खुदा हमें दिखाई दे, ये जो तुम मासियतें करके आए हो, ये जो गुनाह करके आए हो, ये जो तुम अपने नफ्स पर जुल्म जुल्म करके आए हो, तो वमा ज़लमूना, ये तुमने हम पर जुल्म नहीं किया है, ये तुमने हम पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लमून, बल्कि इस गुनाह के जरिए से, इस मासियत के जरिए से तुमने अपने आप पर जुल्म किया है कि इसके जरिए से तुम मुस्तहिक अज़ाब हो गए हो। अगर तुम तौबा नहीं करोगे, अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो इसका अजाब तुम पर नाजिल होगा, इसका इसका जो इसकी सजा होगी वो तुम्हारे लिए होगी। तुमने खुदा का कुछ नहीं बिगाड़ा, खुदा के ऊपर जुल्म मुहाल है, मुमकिन नहीं है खुदा के ऊपर जुल्म करना, कि कोई इंसान आकर खुदा के ऊपर जुल्म करे, ये मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई खुदा के ऊपर आकर जुल्म करे। सही ना, कि इंशाल्लाह इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू अगले लेक्चर में बयान करेंगे। बस ये जो आयत नंबर 57 है कि जिसको कुरान क्या बयान कर रहा है कि हमने तुम पर बादलों का साया किया और तुम पर मनु सलवा को नाजिल किया। और अब ये चूंकि आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सूरह बकरा की आयत नंबर 47 जहां पर खुदावंद मुताल बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों का तस्किरा कर रहा है, खुदा उसको शुमार कर रहा है। और दर हकीकत ये कौन से बनी इसराइल है, ये उन्हीं की औलाद है कि जिनके आबा अजदाद ने हज़रत मूसा के ज़माने में ये सारे गुनाह किए थे। तो दर हकीकत ये खुदा के ऊपर जुल्म नहीं किया है, बल्कि खुद उन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है। इस ज़िल में इंशाल्लाह कुछ मजीद रिवायात, ताकि जो कोई आयत हमारे लिए मजीद वाज़े और रोशन हो जाए कि ये आखिर इसके पीछे क्या फलसफा था कि बादल नाजिल हुए और ये मन्नु सलवा नाजिल हुआ। तो ये इसका जो वो क्या बैकग्राउंड रिवायतों में आया है वो इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में, कि जो इंशाल्लाह इतवार के दिन होगी हमारी, इंशाल्लाह उसमें इसको डिस्कस करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।